कुछ अच्छी न्यूज है और कुछ चैलेंजिंग न्यूज भी है इन स्टॉक्स के लिए। तो थ्री स्टॉक्स टू वॉच ये वीडियो का नाम है। तो नाम मैं पहले बता देता हूं आप लोगों को। पहला नाम है बजाज फाइनेंस, दूसरा नाम है LIC हाउसिंग फाइनेंस, तीसरा नाम है L&T फाइनेंस। तो नॉर्मली ये बड़ी NBFCs है। अब NBFCs हो या फिर हाउसिंग फाइनेंस में HDFC का नाम हम पहले लेते थे, जो अब हम नहीं लेना चाहते, बिकॉज HDFC लिमिटेड ने डिसाइड कर लिया है कि वो HDFC बैंक के साथ मर्ज होने वाले हैं। एंड दैट्स वाई अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट यहाँ पे होती हुई नजर आ रही है। एक चीज अच्छी है इन NBFC कंपनीज के लिए कि अगर इन कंपनीज को पैसा रेज करना है तो एक बहुत बड़ा कॉम्पिटिटर इनके साथ अब नहीं रहेगा HDFC लिमिटेड, क्योंकि अगर किसी भी डिबेंचर हो, बॉन्ड्स हो इनके, तो पहला पसंद जो होता था वो HDFC लिमिटेड होता था और बाद में बाकी कंपनीज को देखा जाता था। सो अब HDFC लिमिटेड अलग होके कोई पैसा रेज नहीं करने वाला है, बिकॉज HDFC बैंक को पैसा रेज करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट्स अगर आप देखोगे बहुत लो है HDFC बैंक के लिए, एंड नाउ दे हैव अ मॉर्गेज लोन अवेलेबल टू लेंड। सो दैट्स अ विन विन सिचुएशन फॉर HDFC लिमिटेड एंड HDFC बैंक। तो अब अगर आप देखोगे 5.5 लाख करोड़ रुपए का अगर बॉन्ड मार्केट है तो उसमें 9% एलोकेशन HDFC लिमिटेड के बॉन्ड्स की तरफ है। सो आप समझ सकते हो कि बड़ा मेजर प्लेयर है ये मार्केट का। अब आने वाले समय में जब भी ये मैच्योरिटीज हो जाएंगे और नए बॉन्ड्स आएंगे, सो तब देखा जाएगा बजाज फाइनेंस को, तब देखा जाएगा LIC हाउसिंग फाइनेंस को, तब देखा जाएगा L&T फाइनेंस को भी, क्योंकि ये जो इंस्टीट्यूशंस है ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग ग्रुप्स को बिलोंग करते हैं। एंड दैट्स व्हाई पैसा रेज करने में इनको कोई प्रॉब्लम होता नहीं है। और अब एक बड़ा कंपटीटर यहां से निकल चुका है, तो डेफिनेटली कॉस्ट ऑफ फंड्स जो होगी इन कंपनीज के लिए ये और थोड़ी सी कम हो जाएगी। सो शेयर होल्डर्स के लिए बढ़िया चीज है, बट डिपॉजिटर्स के लिए इन कंपनीज में या फिर जो डिबेंचर्स वगैरह में इन्वेस्ट करना चाहते थे इन कंपनीज के, उनके लिए ये पॉजिटिव न्यूज नहीं है। तो ये अच्छी न्यूज रही इन कंपनीज के लिए, बट देर आर सम चैलेंजेस ऑल्सो फॉर दीज कंपनीज, और वो चैलेंजेस क्या है ये अब हम देखेंगे। सो अनदर न्यूज, जब मैं सुबह पढ़ रहा था आज न्यूज़पेपर्स में, तो वहां पे न्यूज की हेडलाइन है टू बी और नॉट टू बी, मतलब NBFC ये जो कंपनीज है इन्होंने बैंक बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए, ये बनना चाहते या नहीं बनना चाहते, दैट्स द पॉइंट। अब ये एंगल एग्जैक्टली क्या है, क्या लगता है आपको, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, इतनी बड़ी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी HDFC लिमिटेड के जैसी, वो HDFC बैंक में जाके मर्ज क्यों हो रही है? क्योंकि अब टू रन एज अ प्रॉफिटेबल NBFC जो पहले वो करते थे, अब इतने स्केल बढ़ चुके हैं इनके, तो यहां से वो प्रॉफिटेबिलिटी लाना इज गोइंग टू बी अ चैलेंजिंग टास्क। क्यों? क्योंकि NBFCs पे जो RBI ने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो रूल्स लाए वो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हुए। मतलब लिक्विडिटी कवरेज रेशियो जो 100% होना चाहिए, यानी कि नेक्स्ट 90 डेज में जो जो मैच्योरिटीज आने वाली है उसके लिए आपके पास पैसा रेडी होना चाहिए। सो वो जो चीज है वो पहले NBFCs के साथ नहीं होती थी। अगर NPA का पॉइंट अगर आप देखोगे, सो 90 दिन तक अगर रीपेमेंट होते नहीं है लोन्स के, सो देन दैट पर्टिकुलर लोन विल टर्न आउट टू बी एन NPA और आपको उसके लिए प्रोविजनिंग करनी पड़ेगी। ये भी रूल पहले नहीं होता था NBFCs के साथ, अब वो भी यहां पे लाया गया है। प्लस एक प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन, यानी कि अगर आपके NPAs आउट ऑफ कंट्रोल होते हैं NBFCs के लिए, तो प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन लिया जाएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से, यानी नया बिजनेस करने के लिए आपको अलाउ नहीं किया जाएगा। तो इतने सारे स्ट्रिक्ट रूल्स आने के बाद इसको NBFCs को, जिनको शैडो बैंक्स कहा जाता था, एक एग्रेसिवनेस ज्यादा होता था कंपेयर टू बैंक्स, जहां नए नए एवेन्यूज वो बिजनेसेस के डेवलप करते थे, तो वहां कुछ ना कुछ तो चैलेंजेस रहेंगे ही रहेंगे। डू नॉट वरी, मैं कहीं ये नहीं बोल रहा हूं अरे अब इनका क्या होगा, ये तो बहुत प्रॉब्लम में जाएंगे। नो, आई एम नॉट सेइंग दैट, देयर आर स्टिल अ लॉट ऑफ ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल इन द मार्केट, वी कैन नॉट डाउट दैट। हाँ, थोड़े से डिसिप्लिन, थोड़े से कैपिटल के कमिटमेंट्स थोड़े स्ट्रिक्ट हो गए हैं, सो उस एंगल से ये चीजें हो रही है। तो इसीलिए तो इन अ वे RBI बोल रहा है कि भाई या तो आप किसी बैंक में मर्ज हो जाओ या फिर आप खुद बैंक बैंकिंग लाइसेंस के लिए अप्लाई करो। बट यहाँ पे प्रॉब्लम्स भी है। अब प्रॉब्लम्स क्या है, अब बजाज फाइनेंस बिलोंग्स टू बजाज ग्रुप, तो मैन्युफैक्चरिंग ग्रुप है, बड़ा इंडस्ट्री ग्रुप है, तो उनको लाइसेंस देना RBI को थोड़ा सा प्रॉब्लम लगता है। या फिर हम L&T फाइनेंस की बात करेंगे, तो L&T भी एक बहुत बड़ा ग्रुप है,
तो उनको भी बैंकिंग लाइसेंस देना आरबीआई थोड़ा सा हिचकिचाहट दिखा सकता है वहां पे, एंड दैट्स व्हाई अब क्या आने वाले समय में ये कंपनीज किसी बैंक्स में मर्ज हो जाते या फिर आरबीआई इनको बैंकिंग लाइसेंस देता है, ये भी देखने जैसा होगा, क्योंकि बैंकिंग लाइसेंस मिलना ये भी बहुत सारी ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज प्रेजेंट करता है। प्लस इनकी जो बैलेंस शीट है वो स्ट्रांग भी है, बड़ी भी है। स्पेसिफिकली अगर हम बजाज फाइनेंस की बात करते हैं तो बहुत ही वेल रन कंपनी है, बैलेंस शीट भी बहुत स्ट्रांग है, ट्रैक रिकॉर्ड भी बहुत स्ट्रांग है। ओनली प्रॉब्लम इट बिलोंग्स टू बजाज ग्रुप विच इज एन इंडस्ट्री हाउस। सो अब देखेंगे आरबीआई इसको कैसे टैकल करता है। सो चैलेंजेस है, बट इन चैलेंजेस में से बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज भी यहाँ पे निकल सकती है, एंड दैट्स व्हाई इन कंपनीज पे आपकी रडार होनी चाहिए। आई एम नॉट सजेस्टिंग कि नहीं बाकी एनबीएफसीज पे आपने देखना नहीं चाहिए, देयर आर अदर एनबीएफसीज ऑल्सो लाइक चोला मंडलम एंड ऑल दोस थिंग्स, दे आर ऑल्सो ग्रोइंग रियली वेल, या फिर आदित्य बिरला कैपिटल हो या फिर टाटा कैपिटल हो, सो वी कैन नॉट, मतलब उनके पास भी वैसी अपॉर्चुनिटीज है, बट ये जो बड़ी एनबीएफसीज है उनके नाम मैंने पहले लिए, एंड दैट्स वाई इन स्टॉक्स पे आपकी नजर होनी चाहिए, ये स्टॉक्स आपकी रडार पे होनी चाहिए। अगर आपको पता करना है कि भाई कौन सी वो एनबीएफसीज है जिनमें हमने एलोकेशन लिया है हमारे मॉडल पोर्टफोलियोज में, तो वो जानकारी अगर आपको चाहिए तो आज लास्ट डे है। थैंक यू, ये प्रोमो कोड यूज कीजिए, 55% का डिस्काउंट आपको मिलेगा हमारे मॉडल पोर्टफोलियो सब्सक्रिप्शन पे, मात्र 4500 रुपीज में आप हमारे मॉडल पोर्टफोलियो सब्सक्रिप्शन को सब्सक्राइब कर सकते हो। तो आशा करूंगा कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, जय हिंद।